दीनदयाल शोध संस्थान जो भी काम चित्रकूट को केंद्र मानकर 50 किलोमीटर की परिधि में आने वाले 500 गांव में किया है, ये कोई एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है। इसमें मान्यवर नाना जी का संकल्प, दीनदयाल शोध संस्थान के प्रत्येक छोटे बड़े कार्यकर्ताओं का काम एवं इस इलाके में कार्यरत सभी संगठन एवं अन्यत्र जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, हम सब लोग ने मिलकर एक छोटा सा नमूना है ये। इट कैन बी रेप्लिकेटेड इन एनी वेयर, पूरा भारत में अपन चाहेंगे तो ये मॉडल अपन रेप्लिकेट कर सकते हैं। दीनदयाल शोध संस्थान की छोटी सी प्रस्तुतिकरण। दीनदयाल शोध संस्थान का आधार है इंटीग्रल ह्यूमेनिज्म, जिसको अपन कहते हैं एकात्म मानव दर्शन, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा बताया गया है। उसमें यही बताया, विकास की प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर नहीं होनी चाहिए, ये मूल से शिखर की ओर होना चाहिए, ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है, वही दीनदयाल शोध संस्थान का आधार है। आप श्रद्धेय नाना जी देशमुख जी है, दीनदयाल शोध संस्थान के संस्थापक है, विन्होंने अपने जीवन का एक संकल्प रखा है। मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ। अपने वे हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं। इस संकल्पना के साथ मान्यवर नाना जी ने उनके जो पूरा जीवन रहा, 94 वर्ष का उनका जीवन काल समाज के लिए रहा है, ऐसे मान्यवर नाना जी देशमुख जी। दीनदयाल शोध संस्थान का काम मात्र चित्रकूट में नहीं, 4 प्रयोगशालाओं में चलता है, उत्तर प्रदेश में गोंडा, महाराष्ट्र में बीड़, नागपुर। चित्रकूट का हम आपको काम दिखाने वाले हैं, दिल्ली हम लोगों का मुख्य कार्यालय है। 63 वर्ष के आज़ादी के बाद आज हम सब लोग सामूहिक प्रयत्न से चिंतन कर रहे हैं, ये जो समस्याएं हैं, चाहे वो पानी का हो, गरीबी का हो, अशिक्षा का हो, बेरोजगारी का हो, अस्वस्थता का हो, विवादों का हो, जितने भी बात अपन करते हैं, गरीबी दूर करना है, बेकारी दूर करना है, बेरोजगारी दूर करना है सोचते हैं, लेकिन जब तक कि गाँव से विवाद नहीं खत्म होंगे, गाँव लिटिगेशन फ्री नहीं बनेगा, तब तक अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो नहीं सकता। इस तरह की समस्याओं का निराकरण के लिए दीनदयाल शोध संस्थान यहाँ आने के पूर्व यहाँ की स्थिति भी बहुत दयनीय थी। 92.8% जो जनता यहाँ रहती थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन करती थी, इस तरह के क्षेत्र था, इसीलिए मान्यवर नाना जी ने चित्रकूट को चुना। आखिर अपनी गुणात्मक नीति क्या होनी चाहिए, यदि अपन गांवों की कल्पना करते हैं, गांव खुशहाल हो तो उसका अर्थ दीनदयाल शोध संस्थान के मायने में उन गांवों में कोई गरीब न रहे, कोई बेरोजगार न रहे, कोई अशिक्षित न रहे, कोई अस्वस्थ न रहे, गांव में कोई विवाद ना हो, गांव हरा भरा साफ सुथरा हो, पब्लिक एमिनिटीज जो भी है वो व्यवस्थित हो, अरेंज्ड वे में हो, प्रत्येक व्यक्ति और परिवार के अंदर सामाजिक संवेदनशीलता हो, और ऐसे परिवार को हम लोग स्वावलंबी परिवार कहते हैं, ऐसे गांव को हम लोग स्वावलंबी गांव कहते हैं। अब लोग अपने आप प्रॉस्पेरिटी के ओर, खुशहाली के ओर अग्रसर हो रहे। इसके लिए प्रत्येक काम के लिए एक मेथडोलॉजी होनी चाहिए, कार्य पद्धति होनी चाहिए, उसके लिए हम लोगों का अपना पर्पस है, दृष्टि है, उसके लिए हम लोगों ने अपना पूरा स्ट्रैटेजीज बनाया, उसके लिए गांवों से एक एक डाटा कलेक्ट किया है, वो भी कागज़ों में नहीं कलेक्ट किया, प्रत्येक घर में बैठकर हमारे जो काम करने वाले कार्यकर्ता बातचीत के दौरान पर्सनल कॉन्टैक्ट से पूरा डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्शन के बाद फिर उसके आधार पर हम लोग ने कार्य योजना बनाया, कार्य योजना में भी प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेवारी मिले और जवाबदेही हो, और एक टाइम फ्रेम में, समय सारणी में उसको पूरा कामों को डाला है, एक एक एक्टिविटी का प्रोसेस डेवलप किया। अभी हम लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको कहते हैं वो हम लोग पूरा प्रैक्टिस करते हैं, पालन करते हैं। अब भगवान की दया से जो यहाँ पर सफल प्रयोग हुए, ये एक प्रयोगशाला है, हर एक प्रयोग सफल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, असफल प्रयोगों को हम लोग समाज के सामने नहीं लाते हैं, सफल प्रयोगों को समाज के सामने लाने का प्रयास करते हैं, ताकि वो दूसरी जगह करने में समय बचे। इस तरह ये मॉडल है जिसको अपन कहते हैं प्लानिंग डूइंग चेकिंग एक्टिंग, जिसको अपन PDCA साइकिल कहते हैं, वो हम लोग फॉलो करते हैं।
इस तरह मान्यवर नाना जी का जो जीवन संकल्प सुने थे आप लोगों ने, वो नाना जी तक ही सीमित ना रहे, प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर आए। इसके लिए हम लोग ने अपना जीवन संकल्प बनाया। जो भी दीनदयाल शोध संस्थान में काम करते हैं, वी डू नॉट स्टैंड फॉर आवर सेल्स, वी फॉर आर किथन किन, आर किथन किन आर दोज हु आर नेग्लेक्टेड एंड डाउन ट्रॉडन्स। इस तरह के हम लोग का मिशन, जो भी पर्पस हम लोगों का है, उद्देश्य है, जो भी काम गांव में करेंगे वो जनता की पहल और पुरुषार्थ के आधार पर करेंगे, ये हम लोगों का उद्देश्य है। ऐसे दीनदयाल शोध संस्थान का संकल्प और उद्देश्य। ये चित्रकूट है, 50 किलोमीटर की परिधि में आने वाले 500 गांवों को हम लोग ने चिह्नित किया। इधर 250 ग्राम है उत्तर प्रदेश में, इधर मध्य प्रदेश में 250 गांव है। ऐसे गांव में हम लोग ने काम किया है। विजन 2011 था हम लोगों का, वो हम लोगों ने पूर्ण किया। अब हम लोगों ने दृष्टि अपनी रखी है विजन 2020 का, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जैसा विजन है, उस तरह का हम लोग आगे काम कर रहे हैं। उसी को जो हम लोग ने 500 गांव में काम किया, उसका एक हम लोग ने बुक भी पब्लिश किया है, उसका विमोचन भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के करकमलों द्वारा चित्रकूट में संपन्न हुआ 27 फरवरी को। आपको लग रहा होगा 500 गांव में कैसे काम हो सकता है, एक एक गांव में, एक एक 5 गांवों को जिसको आप पंचायत कहते हैं उसको हम लोग क्लस्टर कहते हैं, 500 गांवों को 100 क्लस्टर्स में बांटा। प्रत्येक क्लस्टर में एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट कपल्स को हम लोग ने रखा है, नहीं तो जाना, बातचीत करना, वापस आने से गांव वालों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। ट्रस्ट गेन करने के लिए और उनकी आस्था पहचानने के लिए, जो भी वहाँ पे काम होता है उसको टिकाऊ बनाने के लिए हम लोग समाज शिल्पी दंपति योजना चलाते हैं। आज हम लोगों के यहाँ पर 32 कपल्स ऐसे काम कर रहे हैं जो ग्रेजुएशन से ऊपर के पड़े हुए, ये पैसे के लिए काम नहीं करते। गांव में बहुत ही कम संसाधनों में ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। एक बाईसाइकिल हम लोग देते हैं उनको, मात्र 5,000-6,000 ऐसा मानधन देते हैं। ये समाज में उन्हीं के साथ रहते हुए ये काम करते, ऐसे उत्प्रेरक के रूप में काम करने वाले समाज शिल्पी दंपत्ति हमारे दीनदयाल शोध संस्थान के रीढ़ के हड्डी है। ऐसे अपन बात कर रहे हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड का, जल, जंगल, जमीन, जानवर, जलवायु। कुछ जगह जंगल कट रहा है, जलवायु बहुत परिवर्तन हो रहा है, ये अपने को इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो समस्याएं हैं वो समस्या तो है ही, लेकिन समस्याओं का समाधान भी कोई बाहर से आके ढूंढेगा नहीं। यदि अपन उस गांव में बैठकर काम करते हैं, हर एक समस्या का समाधान निकलता जाता है, ये हम लोगों का अनुभव है। उसी आधार पर आपको हम कहना चाहते हैं, जितना भी अपने पास फिजिकल रिसोर्सेस है उसको मानव साधन भी अपने पास है, जनता है, लोगों की जानकारी है, परंपरागत ज्ञान है, इन सबको अपन यदि प्रॉपर ढंग से एक पद्धति में लेकर आएंगे, प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी लेते हुए, जिम्मेवारी देते हुए, उनकी नैतिक मूल्यों के साथ वहां के संसाधनों का प्रबंधन करते हुए काम करेंगे, तब अपन एक अनुकरणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल अपन क्रिएट कर सकते हैं, टिकाऊ प्रबंधन का एक अच्छा काम अपन कर सकते हैं। उसका जो हम लोगों ने किया है, गांव में घुसने के पहले यदि आस्थामूलक कार्य अपन करते जाएंगे, उनकी छोटी छोटी जरूरतें होती है वो तुरंत यदि अपन ने उनका क्लियर कर दिया, उनका लाभ मिलने लगा, अपने ऊपर ट्रस्ट करते, ऐसे हम लोग एंट्री पॉइंट वर्क्स अलग अलग प्रकार का किया, जो गांव वालों का नीड है। जैसे एडल्ट एजुकेशन का है तो लोग बात अपन करते लेकिन हो नहीं पाता, प्रत्येक महिला को थोड़ा सा राम राम लिखते आ जाए, पहचानते आ जाए अक्षर, इस तरह का ज्ञान करना, दीप यज्ञ करना, बाल संस्कार है, जहाँ नलकूप खराब है जनता को जोड़कर नलकूपों को ठीक करना, एक मुट्ठी अन्नदान। यहाँ पर ऐसी स्थिति भी है, रामचरितमानस संत तुलसीदास जी ने लिख के चले गए, लेकिन यहाँ के घरों में वो मिलता भी नहीं था, तो प्रत्येक घर में रामचरितमानस दिया गांव में, उससे हम लोगों ने आस्था प्राप्त किया। ऐसे कामों का ये एंट्री पॉइंट वर्क्स करके गांव में घुसते, अलग अलग प्रकार का काम आप देख सकते हैं। कहीं वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट का ऑनगोइंग स्कीम्स जो गांव के लिए अच्छा है वो सब हम लोग ले लेते हैं, हमारे दंपत्ति उनको पूरा गांव में इंप्लीमेंट कराते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। इस तरह का एंट्री पॉइंट वर्क्स, फिर वहाँ की आवश्यकता को जानने के लिए हम लोगों ने वहाँ की आवश्यकता और उनके पास
क्या रिसोर्सेस है वो जानने के लिए हम लोगों ने फैमिली सर्वे, विलेज सर्वे, वहीं पर बैठकर कार्य योजना बनाया, वहीं पे बैठकर हम लोग इन्फॉर्मेशन भी गेन करना और उस सिस्टम्स को फॉलो करना, एक आप लोग जानते होंगे वाटरशेड में करते हैं पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, जिसको PRA कहते हैं। यदि गांव में घुसने के पहले PRA सही हो गया, अपना कभी काम बिगड़ नहीं सकता, इस तरह का हम लोगों ने किया है। एक एक जो आपने गरीबी अशिक्षा देखा उसको हम लोगों ने डिफाइन किया है, मेजरेबल पैरामीटर्स में भी डाला, परिभाषित करके उसको कैसे नापा जा सकता है, हम लोगों ने अपने तरीके से यहाँ तैयार किया है। सबसे पहले यहाँ पर चित्रकूट में पानी का बहुत कमी था, पानी नहीं था, हम लोगों ने वाटरशेड मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट का ऑनगोइंग स्कीम था वो हम लोगों ने लिया। 13,000 हेक्टेयर का लैंड हम लोगों ने पूरा ट्रीट किया है, ऐसे 35 गांवों में हुआ, उसके कारण जो अलाभ कर जोत है वो आज लाभ कर में परिवर्तित हुआ। गरीबी को दूर करने के लिए सबसे पहला काम हम लोगों ने वाटरशेड का किया है। उसको देखकर वो सरकारी पैसा लगा, लेकिन गांव वालों ने उसको देखकर जहां पे जल ग्रहण प्रबंधन कार्य नहीं हुआ, अपने आप लोग गांव में पानी लेकर आ रहे हैं, अपने नलकूप ठीक कर रहे हैं, तालाब ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनको जानकारी हो रही है धीरे धीरे कि सरकार का मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी अपने को स्वावलंबी होने की ज़रूरत है, इस तरह की वहाँ पर भावना उत्पन्न हो रही है। और इस काम को करने के लिए सरकार उस टाइम पर हम लोगों को पर हेक्टेयर ट्रीटमेंट करने के लिए 4,000 रुपये देती थी, लेकिन हम लोगों ने काम 2,800 रुपये में पर हेक्टेयर ट्रीटमेंट करके दिखाया। बचा हुआ पैसा हम लोग शेष पैसा सरकार को लौटा रहे थे, तब सरकार ने कहा आप सब लोग हम लोगों के लिए हेडेक बन रहे हैं, इससे आगे और अच्छा काम करिए। इसके ऊपर खूब लोगों ने आए, निरीक्षण किया, आज भी लेकिन पानी है। ऐसे जनता की सहयोग होगा तो कम बजट में बहुत ही अच्छा काम, स्थाई काम करके दिखा सकते, ये उसके लिए उदाहरण है। उसके बाद हम लोगों के पास ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के केवी केस है, एक सतना जिला में, एक हम लोगों का करवी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है उस जिला में। अलाभ कर जोतों को लाभ कर कैसे बनाना चाहिए, और जो छोटी जोत जिसके पास है उसको भी जीने का अधिकार होना चाहिए, कैसे पैसा मिल सकता है, अलग अलग हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किया है। उसमें एक 1.5 एकड़ मॉडल, 2.5 एकड़ मॉडल हम लोगों ने यहाँ विकसित किया। ICAR पूरे देश भर में इसको लागू करने के लिए तैयार हो रहे, इस तरह का पूरा एग्रीकल्चर का नॉन फार्म सेक्टर, जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन किसानों के लिए घर में छोटे छोटे धंधे क्या हो सकते हैं, इस तरह का प्रयास। चित्रकूट में एक प्रकल्प है, भारत देश में प्रत्येक राज्य का अपना एक शुद्ध देसी नस्ल की गायों का है, लेकिन यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिलता था। श्रद्धेय नाना जी ने चित्रकूट में जो अपने भारत देश के शुद्ध नस्लों की कंजर्वेशन एंड प्रोपगेशन के लिए गौशाला खोला है, प्रत्येक स्टेट का आपको यहाँ पे प्योर हर्ड देखने को मिलेगा। इस तरह हम लोग ने शुद्ध देसी नस्ल के गायों का संरक्षण संवर्धन करते हुए, पंचग्रव्य उत्पाद करते हुए गौशाला को प्रॉफिट में ले जाना, गांव वालों के सामने रखना, ये एक प्रयोग। उसी से आप जानते हैं आज खाद और बीज के लिए लोगों की आत्महत्याएं बढ़ रही, लेकिन हमारे इलाके में कोई आत्महत्या नहीं करते, उनको बीज के लिए बैंकों के पास जाना नहीं पड़ता, खाद के लिए पैसे के लिए बैंक के पास ऋण लेने जाना नहीं पड़ता, ऐसे सभी अपना कंपोस्ट वगैरह का ट्रेनिंग लेकर ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रैक्टिस, ब्रीड इम्प्रूवमेंट, नेचुरल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हम लोग करते हैं। जो स्वावलंबन की गांवों की बात करते हैं तो हम लोग जो 19 प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स भी स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और पूरे देश में जो बेस्ट अवार्ड्स होते हैं वो हम लोग लेते हैं, काम के द्वारा लेते हैं, कोई उसमें ये नहीं है, कोई भी जाकर केवी केस को देखेंगे, 2 KVK को अभी हम लोगों को लगातार नेशनल बेस्ट KVK अवार्ड प्राप्त हो चुका है। उद्यमिता विद्यापीठ ये वैकल्पिक औद्योगिकरण की खोज की दृष्टि से काम कर रहे हैं, अल्टरनेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, बढ़ती हुई उद्योगों के चलते जो आज दुष्परिणाम अपन देख रहे हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, पानी, खेती, उससे पहले ही श्रद्धेय नाना जी ने उद्यमिता एस्टैब्लिश किया था, जो खेती का माल आएगा उसकी मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम ना हो, वो वहीं का वहीं प्रोसेसिंग हो और प्रोसेसिंग हुआ चीज उसी इलाकों में बिके, इस तरह के कल्पना से ये पूरा काम है। उद्यमिता विद्यापीठ
ये सिर्फ प्रशिक्षण भर नहीं देते, उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र है। इस तरह की गतिविधियां आज आप देख सकते हैं उद्यमिता में। जो भी कच्चा माल यहाँ पर उपलब्ध है उसका प्रोसेसिंग करने का यूनिट्स है। ऐसे जो आवश्यकता है यदि, तो उसका भी हम लोग यहाँ प्रोडक्शन करते हैं। ये वैल्यू एडिशन गांव में जो भी आंवला है, बेर है, जो भी मिलता है, वही का वही मूल्य वृद्धि गतिविधियां हो, चित्रकूट में आए, वो पक्के माल में, फिनिश्ड गुड्स में तैयार होकर, पैक होकर वो जाए। ये काम मार्केटिंग की हम लोगों को कोई असुविधा नहीं होती है। इसीलिए नहीं है कि नाना जी का नाम लगा है, इसीलिए है जो माल यहाँ बनता है उसमें हम लोगों ने अलग अलग एक नॉवेल्टी रखा है, नयापन रखा है, केमिकल्स नहीं डालते, ऑर्गेनिक फार्मिंग का बता पूरा करके उसको प्रोसेसिंग करते हैं। और जहाँ पे भी दुनिया में कहीं पे भी एग्जीबिशंस फेयर्स होते हैं वहाँ जाकर अपनी सामग्री को बेचते हैं। नियर अबाउट ये 2 करोड़ का टर्नओवर का ये यूनिट है जो SHGs द्वारा बनता है, वो टर्नओवर होते हैं। ऐसे जो देसी जितने भी चीज़ें आज खत्म होता जा रहा है उसका संरक्षण संवर्धन उद्यमिता में। जो बच्चे, जो यूथ शहर पलायन करके चले गए, सरकार का माइक्रो फाइनेंस हम लोग शासन का नहीं ले रहे, इन लोगों को एक स्वावलंबन खाता बनाया, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000, मैक्सिमम लिमिट हम लोग ने 10,000 रखा है, वो देकर उनको वापस ले आए, गांव में छोटे छोटे धंधों में उनको लगा दिया। इस तरह उद्यमिता में जो अनस्किल्ड है उनको सेमी स्किल्ड बनाना, सेमी स्किल्ड दिया है तो स्किल्ड बनाना, स्किल्ड है तो उसको माइक्रो फाइनेंस के द्वारा उसका रोजगार स्थापित करना। ये काम अशिक्षा को दूर करने के लिए कई सारे विद्यालय हम लोग चलाते हैं। बच्चे मात्र पैसा कमाने के लिए शिक्षा न ग्रहण करें, समाज का एक अच्छा घटक बने, इसके लिए हमारे विद्यालय काम करते। जो गुरुकुल संकुल है, रिटायर्ड कपल्स 25 बच्चों का देखभाल करते हैं, संस्कार की शिक्षा देते हैं। ऐसे गुरुकुल संकुल, नन्ही दुनिया, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और अन्यत्र स्कूल हम लोग चलाते हैं। ये नन्ही दुनिया का दृश्य है। बच्चे 3 से 7 वर्ष के बच्चे प्रकृति से जुड़कर कैसे विद्या अध्ययन करें, इसके लिए नमूना। और जो हम लोग वनवासी अंचलों में रहने वाले बच्चे बच्चियों को जो विद्यालय चलाते हैं, सामान्य बच्चों के लिए जो चलाते हैं वो अलग अलग है। लेकिन 8वीं कक्षा के बाद किसी को रिजर्वेशंस की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा शिक्षा दीक्षा दिया जा रहा है यहाँ पर। वास्तव में ये ऐसा देखने को भी इस इलाके में मिल रहा। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए मोबाइल साइंटिफिक लैबोरेटरीज का काम। स्वास्थ्य, सभी लोग सोचते हैं दवाई लेने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, लेकिन अपने भारतीय परंपराओं में आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपति से अपन सब लोग आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं, लाइफ लॉन्ग हेल्थ अपना अच्छा रह सकता है, उसके लिए हमारा आरोग्य धाम काम करता है। इसी चित्रकूट में आरोग्य धाम है। ऐसे अलग अलग उसमें काम होते हैं। एक हर्बल नर्सरी है, हरी ताजी औषधियों का पहचान कर गांव वाले अपने आप छोटे छोटे बीमारियों को ठीक करें। एक दादी माँ का बटुआ है, रूरल हेल्थ कैंप्स है, इस तरह का काम। चित्रकूट जड़ी बूटियों के लिए फेमस है, लेकिन विलुप्त हो रहे हैं जड़ी बूटियों का कंजर्वेशन एंड प्रोपगेशन के लिए आरोग्य धाम काम करता है। प्लास्टिक सर्जरीज भी हम लोगों ने 3 वर्षों से करना प्रारंभ किया, निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरीज। जो भारतवासी NRI बनकर लंदन में रहते हैं वो डॉक्टर्स यहाँ आकर फ्री में सेवा करते हैं। और कई इसमें ऐसे सक्सेस स्टोरीज है। गांव आज अपन साफ सुथरा देख सकते हैं। पहले उन्हीं लोगों के घरों में बैठने में एक अजीब अपने को लगता था, आज वो घर साफ सुथरा दिखता है। वो लोग अपने को पानी पिलाने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे गाँव अपने बन रहे। सामाजिक संवेदनशीलता एवं गांवों में लिटिगेशन फ्री करने के लिए राम दर्शन मान्यवर नाना जी ने यहां स्थापना किया। चित्रकूट प्रभु राम की तपस्थली है। अमावस्या के दिन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में चित्रकूट लोग आते हैं, लेकिन उनको कुछ भी प्रेरणा का स्रोत राम जी का नहीं मिलता था। इसीलिए एक ऐसा म्यूजियम यहाँ पर खड़ा किया। ये मंदिर नहीं है कि लोग घुसकर हाथ जोड़े, नारियल फोड़े, प्रसाद चढ़ाए वापस आए। ये 5 मंदिरों का एक ऐसा म्यूजियम है। सामान्य व्यक्ति भी भगवान बन सकता है। ये सब का प्रयास आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पर कोई एक साथ बैठते नहीं थे, आज सब लोग एक आवाज़ पर आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, सामूहिक प्रयत्न से अपने गांव और देश के बारे में चिंता करने लगे हैं।
लोगों की मनोरंजन पैसा आते साथ गलत दिशा में ना जाए उसके लिए हम लोग अलग अलग मनोरंजन की व्यवस्थाएं करते हैं, जो देसी होते हैं, भारतीय परंपराओं से रिलेटेड होते हैं, और उनको बेचने के लिए भी जो सामान वो बनाते हैं वो सबको बेचने के लिए प्लेटफॉर्म्स भी बनाते हैं। दीपावली के अवसर पर यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, इस तरह मार्केटिंग के लिए भी व्यवस्था, ग्राम श्री मेला का आयोजन, महिलाओं का आपने अभी सुना है। लोग ऐसा कहते हैं महिलाओं को लड़ाई का कारण होते हैं, लेकिन हमारी महिलाएं लड़ाई का कारण न बने उसके लिए हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट में खासकर बहुत जोर देते हैं। हमारी महिलाएं गांव में आज इतना बढ़िया स्वावलंबन की दृष्टि से आगे बढ़ रही है, जो लोग कहते हैं वो गलत साबित हो रहा है। ऐसा एंटरटेनमेंट का भी अलग अलग पूरा उनका करते, कभी अनुराधा पौडवाल जी, कभी बड़े बड़े लोगों को लाकर उनको सुनवाना दिखाना। वैकल्पिक औद्योगिकरण के दृष्टि से कार्बन रिडक्शन की बात अपन करते हैं, हम लोगों ने 42 विलेजेस में सोलर लैलटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन किया, पैनल्स लगाकर एक एक गांव में 60-60 लैलटेन दिया है, फ्री में नहीं दिया है। कोई काम हम लोग चैरिटी पे नहीं करते, फ्री में नहीं करते, 60 रुपये महीना लेते हैं उनसे, फिर उन लोगों का पूरा देखभाल करते हैं। ऐसा सोलर का, बुलक पावर का थोड़ा बहुत हम लोगों ने अभी पानी से यहाँ पर एक मॉडल ऐसा टर्बाइन्स लगाकर किया हुआ है, ये सोलर लैलटेंस का है। इस तरह की गांव होती है तो हम लोग कहते हैं सेल्फ रिलायंट गांव। ये सब आपको पहले ही बताया, ये DRA के सभी प्रकल्प है, सभी लोगों की मदद से हम लोगों ने ये एक इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक अप्रोच मॉडल है, सामूहिक प्रयत्न से काम करने का प्रयास किया है इस काम को। ये कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम लोग प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं करते, तब भी हम लोगों ने ISO 9001:2000 लिया था, अब वो अपग्रेड होकर ISO 9001:2008 हम लोग को प्राप्त हुआ है, ताकि ये जो मॉडल है, जो भी प्रोसेस हम लोग ने विकसित किया वो रेप्लीकेट हो, इसके लिए हम लोग ने ISO लिया। इसी काम को देखने के लिए आप सब सुन रखे होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द प्रेसिडेंट, तब के जो प्रेसिडेंट साहब थे वो आए थे, काम देखा, मान्यवर नाना जी से गांव में ही मिले, और ऐसे सभी के साथ बैठकर उन्होंने भोजन किया था वहां पर। यहां से जाने के बाद गवर्नमेंट वेबसाइट में उन्होंने सब बातें डाला, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज वे कहते थे, वो चित्रकूट को एक ऑपरेशनल पूरा के रूप में लिया है। अभी भगवान की दया से अलग अलग प्रकार के लोग आ रहे हैं, इस काम को देख रहे हैं। ये लोग आते हैं तो सिर्फ खुशी इतनी होती है कि कम से कम इतनी दूर पे जो काम श्रद्धेय नाना जी ने स्थापित किया, आ रहे, देख रहे, समझ रहे। ऐसे सभी कॉरपोरेट सेक्टर के लोग भी आते हैं, पॉलिटिकल सेक्टर्स के भी सभी प्रकार के लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, अटल बिहारी जी 27 मार्च 2003 को भी यहाँ आए थे, 2 दिन यहाँ रुके थे। स्टूडेंट्स, यंग साइंटिस्ट, सभी प्रकार के लोग आते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स भी यहाँ आते हैं, फिल्म फील्ड के भी लोग। ऐसे भगवान की दया से काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी लोग एकात्म मानव दर्शन को मानने के लिए हो रहे। आयोवा अमेरिका के स्टूडेंट्स रेगुलर यहाँ पर आ रहे, 16-16 दिन रहते हैं। कोरियन स्टूडेंट्स आते हैं, हम लोग भी बाहर जाते हैं। ऐसे कीनोट स्पीकर के रूप में ग्लोबल पैन IIT में जाकर कैसा भारत का ये है, अपना काम क्या चलता है बताया गया। तेरा माद्रे जो स्लो फूड कम्युनिटी होती है उसमें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये सब काम करते करते स्वावलंबन गांव में ऐसा नहीं है कि 100% काम होता है, जो काम को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने ग्राम स्वराज पदयात्रा किए थे, 1045 किलोमीटर की पदयात्रा 3 चरणों में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इसमें गाड़ी में जाना, गांव में पैदल घूमना नहीं किए थे, पूरे रास्ते और ये सब हम लोग पैदल चले थे। उसके कारण वहाँ जो शेष काम था उसको पूर्ण करने में हम सब लोग सफल रहे। अभी भी जो शेष कार्य है उसको सभी लोगों ने कहा है कि धीरे धीरे उसको पूर्ण करेंगे। ऐसे ग्राम स्वराज पदयात्रा, कुल मिलाकर यही चाहते हैं, जो अपने गांव हो, शहर हो या जिला हो, जो भी वहां पर जो अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेस है, जिसको अपन फिजिकल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी, नॉलेज कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की बात आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का सुना होगा, वही हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ये तो पूरा काम को जो 20-25 प्रकल्प है, हमने ऐसा छोटा प्रेजेंटेशन में आपको बताया। जिनको भी रुचि है कैसे कार्य योजना बनाना, कैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से, आप लोग ले सकते हैं। ये हम लोगों ने जो किया है
सामूहिक प्रयत्न से आपके सामने। यदि अपन लोग अपने स्वप्न को साकार करना चाहते हैं, यदि अपने जो भी सोचते हैं उसको धरातल पे लाना चाहते हैं, उसके लिए एक ही चीज़ की आवश्यकता है जो बड़ों से हम लोगों ने सीखा है, कम टुगेदर, सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर, प्लान टुगेदर, वर्क टुगेदर, प्रोग्रेस टुगेदर, एसेस टुगेदर, शेयर टुगेदर। जो भी सफलता असफलता मिलेगी सब मिलजुल कर एक साथ बैठकर, जिसको संस्कृत में कहते हैं संगच्छत्वम संबदत्वम संबोमनाशी जानताम, उसी प्रकार की यदि कल्पना करेंगे ये काम बहुत आसान है, हो सकता है, यही हम लोग आपके समक्ष रखना चाहते हैं। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।